भाई यहाँ पर कोई भी नहीं उठ रहा, उठ जल्दी, उठ जल्दी जल्दी जा, रेडी हो, ये टमाटर मिंडस सांस रहा है, इसको ख्वाब में बर्फ आ रही है, जल्दी उठ जा टमाटर मिंडस, जाना नहीं है भाई। टाइम 4:15 हो चुके और टमाटर मिंडस 7 बजे की फ्लाइट है, जल्दी उठ, एयरपोर्ट भी जाना है। अबे हंस तो नहीं रहा, वहां से देखता हूँ, अबे हंस रहा हूँ, जाना है जल्दी उठ, भैया को बोला तो मार मार के उठाएगा, तुझे क्यों नहीं जाना, देख नींद खराब, तेरे बर्फ आ रही है तेरे ख्वाब में। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो भाई सब रेडी हो चुके हैं, 1 2 3 बंदे रेडी क्यों हैं? अब 3 बंदे छोड़ने जा रहे हैं, छोड़ने जा रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, और बाकी जा कितने रहे? 1 2 3 4 और 5, मेरी दूसरी बहन भी, 5 बंदे जा रहे हैं और 3 बंदे छोड़ने जा रहे हैं। कोई नहीं, इतना घूम लिया तो मेरे साथ क्या हो गया, घर में ले लो, पापा के साथ क्या हो गया। अच्छा नौटंकी हो रही, भाभी भी एक्टिंग कर रही है, टमाटर मिनट्स बच जाएगा बेटा, अब कुछ नहीं होगा इसको, सेफ है। चलो लेट्स गो भाई, और मेरा बैग तो एज यूजुअल यही होता है। थैंक यू सो मच, सबको माफ देते हैं। ओ भाई फाइनली आज इतना बड़ा गेट खुला है, बिकॉज इतना बड़ा जो बैग आ रहा है ये वाला, अटैची अटैची। अलविदा करते हैं मोम आप अपने घर को, तो क्या सम डेज बाद हमें आना है, तो देखते हैं कब आते हैं। इसको तो ऐसा करके लेके जाना पड़ता है, तू भी ऐसे ही उठा के लेकर आ भाई। अभी तक पूरी रात ही रात हो रही है और हमारी फ्लाइट सुबह सुबह की, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग। ये बड़ा बैग हमें पापा की गाड़ी में रखना है और बाकी एक छोटा बैग आगे रखेंगे और भैया की गाड़ी में छोटा बैग, छोटा रखना, हाँ छोटा रख सकते हैं। देख के गुड 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 भाई, पापा की गाड़ी, मम्मा भाभी और बहने जा रही, हमारी गाड़ी में भैया मैं और उसे। भाई हमें क्या हो गया भाई, भाई फाइनली आ गया एयरपोर्ट पे, बैग तो निकाल यार, आ जाए मॉम, मेरा बैग तो आ गया भाई। हाफिज भाई, पापा हाफिज, भैया हाफिज, हाफिज भाई, बहुत ख्याल रखना, ओके ओके ओके। भाई ये साहब जो है हाँ, इनको पैराशूट चाहिए था, हाँ ये बहुत बड़े पैराशूट रहे, कुछ होता है पैराशूट लगा छलांग मारेंगे, ये बोला फैमिली मर जाए, ये पैराशूट लगा उतरेंगे, इसने बोला था घर पे, ये आज में पैराशूट होगा नहीं होगा, ये बहुत पागल टमाटर दिमाग नहीं चला, सॉरी टमाटर तो मारो ताकि बिल्कुल सबका ख्याल रखना, ये प्यार में चमाट होता है तुझे पता है, हाँ टिकट अगर साथ बैग से हम लोग हो गए पास, हम करवानी है बोर्डिंग, मम बोर्डिंग मिल गई, क्या वो नहीं चल रही, ये बोल रहे थे इधर से जाएंगे लेकिन ये चली नहीं रही, ये चलती भी नहीं है। बैठो 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 बैठो, हम यहाँ पर 6 बजे से आए हुए और आधा घंटा हो गया, अब लग गई फरिया को भूख, जाओ जाके खिलाओ खाना इसको, जाओ। और मॉम हम पे गुस्सा कर रही है कि इसको खिलाओ खिलाओ खिलाओ, गुस्सा क्यों आ गया, तो उन्हें 7 हो चुके हैं और मेरा व्लॉग आ चुका है, अब से अनाउंस कर रहे हैं कि आ जाए आ जाए आ जाए, और मैं वेट कर रहा था कि मेरा अपलोड कब होगा व्लॉग। अब जाएंगे हम जहाज के अंदर, और बाहर भाई सुबह हो चुकी है, वाजो, वाजो, वाजो। ये मेरा संभलता ही नहीं है यार, शिट, अबे एक जगह रुक जा, एक जगह प्लीज, थैंक यू। मम्मी इधर आ जाए आप, फरिया तो मेरे बराबर में बैठेगी, हमेशा बैठती है। वैसे हम लोग कितने टाइम बाद जा रहे हैं, अरे पिछली बार भी हम भी तो मेरे साथ बैठ के गई थी ना, मतलब जिसे मैंने थंबनेल यू लगाया था मास्क वाला। अस्सलाम वालेकुम खवातीनो हजरात, कैप्टन ख्वाजा अब्दुल मजीद और उनके अमले की जानिब से आपको एयरब्लू की परवाज PA 200 पर इस्लामाबाद के लिए खुश आमदीद कहते हैं। आज हम 35,000 फीट की बुलंदी पर परवाज करते हुए इंशाल्लाह 1 घंटे और 40 मिनट में इस्लामाबाद पहुँच जाएंगे। शुक्रिया। हौसला हौसला आगे बन कर ले, इसको डर लग रहा है, हुसैन का क्या हो रहा होगा, सांस रोक के बैठा हुआ में है। कॉकटेल दही और ये क्या है, एग और कीमा, फाइनली मेरा खाना तो डन हो गया, फरिया ने सारा बचा दिया अपना, हाँ इसने सैंडविच खा ली थी जब, क्या किया तुमने, चम्मच ले ली, क्यों ये पसंद है बहुत, लेके जाओगी इसको, तो भाई अब थोड़ा आराम करते हैं, थोड़ा सो जाते हैं क्योंकि बहुत आ रही है नींद, 2 दिन से सिर्फ 2 ही घंटा सोए, उसके अलावा नहीं सोए, इसको करते हैं बंद, क्यों करते हैं, क्यों करते हैं। फाइनली भाई लैंडिंग, अभी लेके चल बे जल्दी, भाई मुझे तो बहुत तेज वॉशरूम आ रहा है, इधर रुको, जो हमने लगेज रखवाया था उसको क्लेम करना है, पहला बैग तो हमारा आ गया भाई, और एक बैग तो भाई अभी तक आ ही नहीं रहा यार, भाई हम डाउटफुल है, हम कब से वेट कर रहे थे, क्या पता हमारा बैग यही हो, एक बार ट्राई कर लो, मुझे लगता है कोई हमारा बैग कोई और,
घूम के चले गए थे यार। अबे मोमो भी यहाँ से गए हैं आपको? भाई अरे मोमो को पहचान ही नहीं थी कौन सा बैग हमारा है कौन सा हमारा नहीं। अच्छा आजो आजो आजो, अभी हमें लिफ्ट में ऊपर जाना है और टैक्सी ढूंढनी है क्योंकि टैक्सी में हम जाएंगे आगे यहाँ से सवाल। ये सारे टैक्सी वाले हैं तो अब देखते हैं इनसे मालूम करके देखते हैं कि सवाद जाने कितने पैसे लेंगे। जी टैक्सी जाइए और सवाद जाने भाई सवाद के बता दे सही रेट लगा दे। धक्का मत कोई नहीं करो ना यार, लड़ाई नहीं मैं से पूछ रहा हूं रेट। सवाद के 8,000 रुपए बचे। सर ये 3 बैग डिग्गी में आ जाएंगे करोला में? सर बिल्कुल भाई, क्यों नहीं आएगा। ये इतना बड़ा वाला बैग, ये भी देखते हैं। और अभी इनकी पीछे लड़ाई हो गई जो सबकी के मैं लेके जाऊंगा मैं लेके जाऊंगा तू लेके जाएगा। फिर ये अंकल ने हमें सही रेट बताया और इसके बाद फिर इन्होंने बोला कि सही है मेरी गाड़ी अच्छी है और आराम से खुल्लम खुल्ला आ जाएंगे। तो मैंने सोचा आज ये दिखाऊंगा आपको क्योंकि अक्सर मैं उतरता हूँ एयरपोर्ट पे कैब कराता हूँ या कोई टैक्सी कराता हूँ तो वो पहले लड़ते हैं बहुत। मैंने बोला आज आपको दिखाता हूँ कि पूछ। मेरे आते आते इन्होंने 2 बैग रख दिया, ये बैग भी रख के देखते हैं क्या अंकल सही बोले तो 2 बैग और आ जाएंगे। अबे हाँ क्या बात है अंकल जी। बिस्मिल्लाह पढ़ के निकलते सवाद की तरफ, बहुत लंबा रास्ता है। रिलैक्स बैठ गए ना आप लोग, लंबा सफर है सच में। ओके तो भाई मोटरवे भी आ गया और अब मोटरवे चढ़ेंगे और पिशावर से होते हुए मतलब पिशावर वाले मोटरवे से होते हुए सवाद की तरफ। आई थिंक फ्री यहाँ पर था ही नहीं वो खुल जा। ऑलमोस्ट यहाँ पर भाई 10 AM हो चुका है, देखते हैं हम कौन से AM पहुँचते हैं या PM पहुँचते हैं। अभी कुछ खाने पीने के सामान और पेट्रोल पंप आ गया, इसके बाद अंकल बोल रहे हैं 2 घंटे तक आपको कुछ खाने पीने का नहीं मिल सकता राइट। Yes. जब तक डला हमारी गाड़ी में पेट्रोल, इसका ख्याल पेट्रोल का मैं खुद भी रखता हूँ कि मैं बोलता हूँ कि पेट्रोल डलवा लो कहीं रस्ते में अगर रुक गए ना, मुझे फुहारी बिल्कुल पसंद नहीं है। ये तो सुपर मार्ट है पूरा, जो चाहिए फटाफट लेके इधर काउंटर पे रखो। यहाँ पर इन्होंने ले लिया भाई सारा सामान। अरे भाई पता नहीं तो सारा ले लिया, कौन खाएगा? ये जहाज में भी खाना खाया है, सैंडविच भी खाया है। भाई 11 बजे हम सवाद वाले टूल प्लाजा पे आ गए और अभी यहाँ से हमें 2 घंटे लगेंगे सवाद के अंदर इंटर होने में। इधर दिए 140 रुपए। खुल जा सिम। अरे दादा सुन ली मेरी। सवाद का मोटर पे अब आया भाई, सॉरी वो पहले शावर का मोटर पे खत्म हुआ था तो उधर पैसे देना पड़े थे, अब सवाद का जब मोटर पे खत्म होगा तो उधर पैसे देना पड़ेंगे। इधर हमें फ्री का कार्ड मिल गया और भाई टनल आ गया है जिसका हम सबको वेट है और हम सबको भी वेट है। फरिया तुम फिर फरिया तो हर जगह की स्नैपे बना रही है भाई। भाई फरिया ने कोई भी अच्छी प्लेस नहीं छोड़ी, जो भी अच्छी प्लेस आ रही है फरिया उसको रिकॉर्ड कर रही है। Yes. फरिया को पता नहीं क्या शौक पड़ गया रिकॉर्ड करने के, मतलब जैसे जैसे बड़ी होती जा रही है वैसे वैसे मेमोरी कलेक्ट करती जा रही है। ओके सो भाई सवाद मोटरवे भी खत्म हो गया, के बाद फिर कौन सा मोटरवे लगता है? इसके बाद जीटी रोड आएगा सवाद। जीटी रोड सवाद मतलब सवाद अब शुरू हो गया इसके बाद। ओके सो ये लास्ट मोटरवे है, सवाद स्टार्ट। फाइनली इंटर कर गए सवाद के अंदर और बस अब पहाड़ों पे जाना है सवाद के और रिलैक्स करना है। सब बहुत थके हैं, सब बहुत थकते हैं। आप क्या फील कर रही है, मतलब कैसा? मैं कुछ भी नहीं कर रही। क्या हो रहा है बताए? अच्छा लग रहा है। मैं बहुत बोर हो गई बस। हाँ ना, इसको सीधी जगह नहीं मिल रही ना, जब ये बोर हो गए थक भी गई। इसको मैंने कैप भी बना दिया अपना, मास्क भी लगाया, हैंड फ्री भी लगाई हुई है, साथ साथ वीडियो भी बन रही है भाई, फुल जर्नलिस्ट नहीं होते जैसे, सब काम हो रहे एक साथ। वाह है कि आज का व्लॉग मुझे लगता है थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि अभी बहुत दिन बचा हुआ है और पता नहीं हमने सुबह से 6 बजे से स्टार्ट कर दिया व्लॉग और अभी हमें बहुत आगे जाना है और होटल वगैरह और खाना पीना। सो या आज का व्लॉग आप सबकी फरमाइश पे लंबा हो गया, हालांकि फरमाइश आप लोग बहुत बोलते हो कि लंबा लंबा, मैं बोलता हूँ बेकार हो जाएगा मेरा, लेकिन आज मुझे लगता है कि अच्छा व्लॉग भी है और लंबा भी अच्छा लगेगा। सो या पूरा देखना। फाइनली भाई आ गए हम होटल पे, अपने का व्यू बहुत कमाल का है, वो पूरे रास्ते में देखते हुए आए हूँ लेकिन मैंने शॉट नहीं लिया। कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। ओ भाई सो रूम मिल गया, बड़ा बेस्ट रूम मिला हम लोग को। मॉम किधर गई? मॉम गई है। अच्छा मॉम फ्रेश होने गई है। मेरा दिल करता था फ्रेश होने का लेकिन जो मैंने व्यू देखा सामने का रिवर है सामने, दिल गार्डन गार्डन से हो रहा है। अभी स्नोफॉल में नहीं जा रहे, अभी सिर्फ सवाद में रुके हुए और इसके बाद फिर हम शायद कल परसों, मतलब ये व्लॉग जब एंड होगा, व्लॉग तो सुबह डलता है, उसके बाद क्या पता जब कल हो तो हम कल कहीं और निकल जाए क्योंकि हमें सिर्फ घूमना 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 है, रुकना नहीं है। मेरा और टमाटर मिला कमरा ये हो जाएगा, मम्मा और फरिया और बाजी का कमरा यही होगा, ठीक है। 1:17 हो रहे हैं और आगे है रिवर सारा। मैं बोल लूं कि अभी हम यहाँ जाएंगे? अभी थोड़ी, अभी तो खाना वाना खाना है, क्या हो गया? मैं बहुत मिस कर रहा हूँ भैया को क्योंकि भैया मेरा पार्टनर है टूर। मैं ही बहुत मिस कर रही हूं। हाँ भैया मेरा टूर पार्टनर है और पापा भी तो वैसे भी नहीं है, पापा को काम है मसरूफ से, तो पापा ने बोला मैं रुक रहा हूँ तो मेरे साथ भैया और भाभी को भी रुक दो क्योंकि मुझे सुबह के काम पे जाना होगा, वो खाना कौन देगा, नाश्ता ये वो, और फिर घर के कोई काम आ गया तो वो कौन करेगा, तो इसलिए पापा ने भैया और भाभी को अपने साथ रोक लिया।
That's a reason. तो भाई यहाँ पर खाना लग चुका है, ये है कढ़ाई और ये है बिरयानी। मम खाना लग गया, आ जाओ। मम क्या खाएंगी आप? मुझे बहुत भूख लग रही है। हाँ, सर्दी लग रही है आपको? मुझे लग रहा है ठंड। सर्दी तो हल्की हल्की। टमाटर फिटनेस कहाँ गया? वाशरूम। मैं तो खाऊंगा भाई लेग पीस। बाहर के सुकून तो खाएंगे, बहुत मजा है। इसको बड़े मजे आ रहे हैं। सारी जिद इसी की थी कि बाहर मुझे लेके चलो, घुमाने लेके चलो, घुमाने लेके चलो। और की सारी जिद पूरी हो गई। इतना खुश है, इतना खुश है ये। सो भाई फटाफट से खाते हैं खाना। Okay. वो लोग तो वहाँ पर अभी तक खाना खा रहे हैं। मैंने खा लिया तो मैं थोड़े धूप सेक रहा हूँ। मास्टर कौन सी पियोगे? मैं पीऊंगा दूध पत्ती कड़क। सारे मजे लेना यार जब पहाड़ों में आए तो। अबे तूने भी खोली होगे? अबे ठंड लग रही है। okay. अबे इतनी मोटी जैकेट पहन ली, तुझे कहाँ ठंड लगेगी? एक तो वैसी डमांडस मिंडस है, ऊपर से इतनी मोटी जैकेट पहन ली, अब डमांडस डबल मिंडस हो गया। शहर मना भैया नहीं है, वरना तो पानी फेंक देता। अबे चाय आ गई भाई, चाय आ गई भाई। मॉम तो लेट गई, मॉम आराम कर रही। सब थके हुए, लेकिन मैंने तो व्लॉग करना है थोड़ा सा, तो व्लॉग करने के बाद ही हम भी फिर ऐसा लेटेंगे कि आपको दिखेंगे नहीं, क्योंकि व्लॉग ही नहीं बनाएंगे तो फिर मैं सो जाऊंगा। अबे चाय नहीं करा दिया देख के? अबे देख के भी कान बहुत एक्शन मार रहा, तू जल्दी निकाल ले चल। अभी भैया होता तो बताता। भैया को मैं इसी बात पे मिस कर रहा हूँ कि भैया होता तो बताता। ये लो भाई चाय ले लो यार। फिलहाल तो भाई मैं चाय पीते पीते अकेला आगे जा रहा हूँ रिवर की तरफ। वहाँ पर सारे वो लोग आराम कर रहे हैं। वो जो दिख रहे हैं आपको पहाड़ व्हाइट व्हाइट, वो है कलाम से पहले वाले पहाड़, मानक्याल के पहाड़ है भाई। और चलते 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 हम पहुंच गए भाई ये रिवर के पास। बहुत तेज चल रहा है रिवर, ठंडी ठंडी हवा आ रही है, मैं आपको क्या बताऊं। और वो सामने देखे, वो देखे, वो पकड़ रहे मछली। 4 बज गए, ठंड भी इतनी लग रही है क्योंकि ठंड बढ़ चुकी है, सर्दी है। अबे तू तो सच में नाटक कर रहा है बे। तो मैं जा रहा हूँ अंदर अब आराम करने, तो इस व्लॉग को इधर ही एंड करते हैं। और मुझे लगता है व्लॉग बहुत बड़ा हो गया होगा, तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इंशाल्लाह कल से फिर अच्छे अच्छे व्लॉग आएंगे। आज भी अच्छा ही था, मुझे पता है अच्छा था, लेकिन एंड में आके थोड़ा मैं थक गया तो लेजी हो गया। अबे फरिया कहाँ गई? सो गए भाई, सब सो गए। लाइक कर देना प्लीज, लाइक कर देना। सलाम कर। अस्सलाम वालेकुम। नहीं नहीं वो वाला भैया वाला मिस हो जाए जल्दी जल्दी। ऐसे नहीं, अल्लाह वरकातु। हां गुड बाय बाय। चल भाई शुरू था। और सुन, पांव जमीन पर रखना ठीक है? हां तेरे को चैलेंज है, चैलेंज चैलेंज चैलेंज। अबे भाई चैलेंज चैलेंज, पांव नीचे रखने। हम तीन जब से मैं आया हूँ 12:30 बजे से बाहर ही बैठे हैं, बर्फ बन गए तेरे हाथ को इतने हिले। अब तो सर्दी लग रही है। सही बोला कैमरा है इसका? बिल्कुल सही है कैमरा। चैलेंज पूरा कर लिया, लेकिन बहुत ठंडा हो रहा है। बहुत ठंडा, मजा आएगा अभी तुझे। जल्दी 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 जल्दी। बाय 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 टाटा।